नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासोदा से। त्योंदा पुलिस ने गोवंश के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राहतगढ़ के रहने वाले दोनों युवक राहतगढ़ से पठारी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उसी दौरान रसुलपुर गांव के पास एक कुत्ते के सामने आ जाने से उनकी बाइक फिसल गई और बोरी में रखा मांस बाहर आकर गिर गया। जब स्थानीय लोगों ने युवकों को घायल पड़े देखा और उनकी बोरी से निकलकर मांस गिरा हुआ देखा तो इसकी सूचना उन्होंने तुरंत पुलिस को दी। पुलिस के घटनास्थल पर आने के बाद दोनों युवकों ने यह कबूल किया कि यह गौवंश का मांस है। पुलिस ने अरमान और रफी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। इंडिया खबर लाइव के लिए गंज बासोदा से एलएन चौबे की रिपोर्ट। मामला अभी सुबह लगभग 9:30 बजे की बात है। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा मोबाइल पर सूचना दी गई कि दो लड़कों के पास से जिन्होंने मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए थे, उनकी पास एक बोरी थी। बोरी में से गौ मांस होने की सूचना थी। वहाँ पहुँचे तो एक मांस को जब किए गए वहाँ से घटनास्थल रसूलपुर से पठारी जो मार्ग है, एक रस्सू का ढाबा है, ढाबे के सामने रोड किनारे से मांस को जब्त किया गया है। लड़कों के बारे में बताया है कि लड़के की मोटरसाइकिल के सामने से कुत्ता आ गया था, जिसके कारण वो गिर गया था। ज़्यादा घायल हो गए थे, वो हॉस्पिटल आ गए। बाद में हॉस्पिटल आके उसकी भी तस्दीक की गई है। लड़कों के नाम, लड़के मुख्य रूप से राहतगढ़ के रहने वाले हैं। दोनों का नाम, एक का नाम अरमान पिता अबरार खान और दूसरे लड़के का नाम तालिश उर्फ रफीक पिता यूसुफ खान है। अच्छा, इन पर क्या कार्रवाई की है सर? इनके ऊपर तो मामला कायम किया है गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में और मध्य प्रदेश कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला कायम कर किया गया है। चूँकि दोनों आरोपी ज़्यादा घायल होने के कारण डॉक्टर साहब द्वारा उनको रेफर किया गया है, इसलिए उन्हें विदिशा अग्रिम इलाज के लिए पहुँचाया गया है। उसके साथ